देवभूमि उत्तराखंड में बारिश से लोग खौफजदा हैं। बारिश जहां एक और भारी तबाही मचा रही है, वहीं दूसरी ओर कई लोग आपदा की भेंट चढ़ चुके हैं। प्रदेश में भूस्खलन से कई लोगों के घर जमींदोज हो गए, जिस कारण कई लोग अपने आशियाने को छोड़कर अनियंत्र शरण लिए हुए हैं। चमोली में देर रात से हो रही बारिश के कारण जिले के दो क्षेत्र कुंडी गांव और धारडमबगड़ में बादल फटने से कई घर, दुकान, मवेशी और गाड़ियां मलबे में दब गई। हालांकि अब तक जनहानि की कोई सूचना नहीं है। वहीं गौरीकुंड के घोड़ा पड़ाव में भूस्खलन हुआ। मलबा आने से मार्ग बाधित होने से श्रद्धालुओं को गौरीकुंड में ही रोका गया है। वहीं बीते दिनों हुई बारिश से चमोली के घाट क्षेत्र के बेजार गांव में नाला उफान पर आने से पुल बह गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बारिश से सीमांत जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ बागेश्वर में भी भारी तबाही मचाई है। गौर हो कि प्रदेश में वर्षाकाल में पहाड़ों के दरकने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सूबे में आपदा ने कई लोगों की जिंदगियां छीन ली हैं, जिसका हल्की सी बारिश होने पर ही लोगों की आंखों में खौफ साफ देखा जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन से कई गांवों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। बरसात की काली रात में जब बारिश की तेज बौछारों के साथ बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है तो गांव के लोग खौफ से सिहर जाते हैं। वहीं बीते दिन राजधानी देहरादून के सीमाद्वार क्षेत्र में बादल फटने से जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। अभी तक अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई। वसंत विहार क्षेत्र में मकान का पुश्ता ढहने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। रिस्पना नदी का जलस्तर बढ़ने से 2 लोग बह गए, जिनके शव कुछ ही दूरी पर बरामद किए गए। वहीं सहसपुर क्षेत्र में भी पानी के बहाव में एक व्यक्ति बह गया, जिसकी मौत हो गई। बता दें कि लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तमाम सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में खतरे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन स्कूल बंद रखने का निर्देश जारी किया है।